हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग वीडियो। गाइस तो आप लोग कैसे, आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे। तो आज का सीन है क्या गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं आज लुंगखुम बस्ती को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है, और फ्रेंड के साथ, ठीक है। सभी लोग जाएंगे मेरे साथ, ये रहा मेरा दोस्त, एक स्कूटी रहा। बाकी बात लोकेशन चेक कर लो, ये उंगमा का HP पेट्रोल पम्प है, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ठीक है, उंगमा विलेज का। तो यहाँ से अभी हम लोग निकलेंगे लुंगखुम विलेज के लिए। बाकी बात टाइम जो है वो काफ़ी हो चुका है इन लोगों की वजह से गाइस, मेरे वजह से नहीं, ठीक है, इन लोगों की वजह से। देखो कितना मासूम लग रहा है वीडियो में सबका सामने इन लोगों की वजह से काफ़ी लेट हो गया है, टाइम हो गया 2:30 अभी। बाकी बात यहाँ से अभी जो लुंगखुम विलेज है वो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर है, और 20 किलोमीटर कम से कम मैक्सिमम हम लोग को टाइम लग जाएगा, यहाँ से 45 मिनट्स लग जाएगा। तो जाकर देखते हैं गाइस हम लोग उसको कवर कर पाएंगे या नहीं, देखते हैं आगे चलकर, ठीक है। गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए, ये सिदसा जंक्शन है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये सिदसा जंक्शन है। तो बाकी हम लोग को जाना था इस होकर इस रास्ते से, बाकी बस टाइम ज़्यादा नहीं है इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि नीचे रास्ते से निकल जाते हैं, कोहिमा रूट है। चलो भाई चलो, जाना एक्सीडेंट ज़्यादा होता है इस रास्ते पे, ठीक है, आराम आराम से जाना, रास्ता अच्छा है। In the midnight glow where the stars align. ठीक है, और अलीगंज से अभी निकलेंगे लुंगखुम के लिए। आप लोग ये देख सकते हैं का घास है, ठीक है, तो ये सब ब्लूम करेगा, अभी सितंबर है तो अक्टूबर या नवंबर में ये ब्लूम करेगा। उस टाइम में यहाँ पे एक फेस्टिवल भी होता है जिसका नाम है जेरी ब्लूसम करके, जो लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था 2023 में, और शायद ये साल भी हो सकता है, और यहाँ पर ही वो सेलिब्रेशन चलता है इस विलेज में, ठीक है। बाकी बात नॉर्थ ईस्ट में ये थर्ड प्लेस है जो लुंगखुम बस्ती है, जहाँ पे जेरी ब्लूसम का फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में ये थर्ड है आई थिंक। हाँ बाकी बात देख सकते हो ये कुछ नज़ारा है, देखिए ये सब पूरा जेरी का घास है गाइस, ये सब ब्लूम होने वाला है अभी नवंबर में, नवंबर तक ब्लूम हो जाएगा गाइस। उस टाइम काफ़ी मस्त लगता है यहाँ पे आकर फोटोशूट करने के लिए, काफ़ी अच्छा एक स्पॉट होता है ये, ठीक है। बाकी बात और चलकर नज़ारा चेक करते हैं। तो हम लोग अभी लुंगखुम विलेज में आ गए हैं और ये स्टार्टिंग है। तो गाइस ये सब जो देख रहे हैं सब ये मतलब फार्मिंग के लिए है, खेती है, ठीक है। अभी धान काटा है, देख सकते हैं आप लोग, धान जो है ऑलरेडी कट हो चुका है, ठीक है। देखिए मेरा फ्रेंड लोग भी काफी एंजॉय कर रहा है यहाँ पे, देखिए बहुत मजा आया, कसम से मस्त जगह यार। ऐसा जगह पे तुम कभी आया था? नहीं, नागालैंड में मेरे को 5 साल हो गया, बट आज आया हूँ मैं। ओ भाई इसका दिन है इसीलिए। हाँ तो मेरे जैसा इंसान के साथ रहेगा तो ऐसा ही होगा तो मजा आ रहा है एकदम से मस्ती, बहुत मजा आया भाई, बहुत मजा। तो अभी बस स्टार्टिंग है लुंगखुम विलेज में, ठीक है, ठीक है। इसको जो ये सब जो है पाइन ग्रोव्स है, 1945 में ब्रिटिश के समय का लगाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब जो वेडिंग होता है, शादी करने के बाद यहाँ में मतलब जो जूरा होता है, जूरा पता है ना? पता है। क्या होता है शादी जूरा? दूसरे का मिलावट। अरे मतलब मेरे कहने का मतलब मेरे कहने का मतलब जो कपल्स होता है, कपल्स हाँ। नहीं मालूम हम लोग को, इतना ही मालूम है शादी। तो मेरा कहने का मतलब है क्या, ठीक है, बोलिए, जो कपल्स होते हैं ना वो सब यहाँ पे फोटो शूट के लिए आता है। बाकी बात लोकेशन जो है बहुत मस्त है, तो सिंगल लोग है तो क्यों आए फिर हम लोग फोटो खींचने के लिए आए हैं, सिंगल भी आदमी सिंगल भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो तब तो ठीक है। हाँ तो गाइस फाइनली देख सकते हैं बोर्ड जो है यहाँ पे लगा हुआ है, वेलकम टू लुंगखुम विलेज, ठीक है। कम्युनिटी हॉल है गाइस, फाइनली अभी हम लोग इस लोकेशन पे, ठीक है, ये जो है साइट जो है अभी जहाँ हम लोग है वो इमखोंगमंड मेमोरियल साइट है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं इसका वो है इमखोंगमंड, ठीक है, जो नागा फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं।
तो आप लोग देखिए यहाँ से क्या ही खूबसूरत नज़ारा है, ठीक है। बाकी बात ये जो सर है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नागा नेशनलिस्ट ग्रुप का और NNC नागा नेशनल काउंसिल का भी है, ठीक है। और यहाँ से आपको खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिल जाएगा जो डोयांग का व्यू यहाँ से काफ़ी मस्त आता है। बाकी अभी मौसम के हिसाब से अभी यहाँ से दिख नहीं रहा है, आईफोन में मस्त दिख रहा है। ओ पानी है, हाँ सच में, सच में भाई साहब समुंदर। अच्छा अच्छा, तो गैस मैं कुछ जूम करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ से जो डोयांग का व्यूज है ये देखो, ये पानी दिख रहा है, पानी है। तो गैस यही डोयांग का व्यूज है, देखो डोयांग दिख रहा है, पूरा पानी है। बहुत दूर तो नहीं होगा, दो दिन लगता है। गैस हम लोग इस जगह को एक्सप्लोर कर चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत सीनरी है, ठीक है। बाकी बात यहाँ पे भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। बाकी बात भाई के अभी हम लोग जा रहे हैं लोंगलांग बा में, और उधर जाने का रास्ता यही है। बाकी बात देखिए क्या सीनरी है, क्या मतलब खूबसूरत है। घर के सामने इस तरह का फ्लावर काफ़ी मस्त लग रहा है, ठीक है। फाइनली गाइस अभी हम लोग आ गए वहाँ पे, देख सकते हो वहाँ बोर्ड लगा है, ठीक है, लोंगलांग बा का। बाकी बात देखिए यहाँ पे क्या खूबसूरत फ्लावर सब रखा गया है, ले लिया भाई। घर देख रहे हो गाइस, वो सब जो राइस होता है वो स्टोर करने के लिए, शायद मैंने किसी आदमी से पूछा है तो उसने इसी तरीक़े से मुझे बताया है, तो उसके लिए ये बना कर रखा गया है शायद। अभी यूज़ करते कि नहीं करते पता नहीं, बाकी बात देख सकते हो। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ लोंगलांग बा, जो एक मतलब स्पॉट है, और ये फेमस है जीना और इतिबन, जो दो लवर थे, ठीक है। जीना और इतिबन वो हमेशा यहाँ पर आकर बैठा करते थे, तो जाकर अभी चेक करते हैं वहाँ पे। कुछ इस तरीका का नज़ारा है, देख सकते हैं आप लोग। और दोस्त अभी मेरा आगे जा रहा है, ठीक है, ये पूरा ही पत्थर पत्थर है। तो यहाँ जो मतलब है ना, दो लवर था, ठीक है, जीना एंड इतिबन, ठीक है। तो वो लोग का लव स्टोरी यहीं से, मतलब यहीं पे वो लोग दोनों जो लवर थे यहीं पे आकर बैठा करते थे। गाइस ये कुछ व्यूज रहा, ठीक है, और देखिए। तो कैसा लग रहा है तुमको यहाँ पे लेकर आए फर्स्ट टाइम इस विलेज में? अच्छा लग रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है। और भाई तुमको? थैंक यू सो मच भाई, बहुत बढ़िया जगह है भाई। तुम खुश हो गया एकदम? हाँ, लगता नहीं है जो टाउन में फिर जाए। अच्छा, मतलब यहाँ आने के बाद तुमको टाउन जाने का मन नहीं कर रहा है? बहुत पीसफुल जगह है ना। फाइनली अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे एक मतलब पानी का सुविधा है वहाँ पे। तो दोस्त लोग को यहाँ वहाँ पे लेकर जा रहे हैं, देखो मेरे साथ सब भाई जा रहा है, सबको प्यास लगी है। बाकी बात हम लोग पानी खेर ही नहीं किए हैं, तो नीचे पानी मिल जाएगा, तो भाई सबको लेकर चलते हैं वहीं पे। संडे दुकान बंद है तो कहाँ से मिलेगा पानी यार? हाँ वो भी बात सही है। तो पानी नीचे हम लोग जाकर पियेंगे, ठीक है। वो पानी जो है पत्थर से निकलता है, ठीक है, पत्थर का पानी है गाइस, और काफ़ी फ्रेश वाटर होगा। आप लोग तो कभी पिया नहीं होगा, हम लोग दिखा देंगे। चलिए गाइस, तो गाइस अभी हम लोग वहाँ जाएंगे, जो प्योर वाटर है, जो पत्थर का पानी है, वो पीकर टेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से नीचे जाएंगे और नीचे है वो जो और ही खूबसूरत होता लगता है ये जब नवंबर और दिसंबर में, ठीक है, क्योंकि उस टाइम में जो फ्लावर सब होता है वो सब ब्लूम करता है उस टाइम में, और काफ़ी अच्छा दिखता है। तो अभी हम लोग नीचे जाएंगे। और बाकी बात इस ये जो कहना है ना गाइस, जो ये विलेज में एक बार आता है उसको दोबारा आना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो उसका सोल यहीं पे रह जाता है। तो मैं तो आ चुका हूँ पहले भी, आप लोग तो शायद फर्स्ट टाइम आ रहे हो भाई? हाँ, तो फर्स्ट टाइम कहना है कि दोबारा आना पड़ता है, नहीं तो आपका जो सोल होता है ना वो यहीं रह जाता है। तो आप लोग जब ऐसा बात है तो मैं 5 बार आऊँगा। बाकी वो नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है, तो आने में कोई दिक्कत है नहीं क्या? नहीं नहीं, है ना। तो रानी यहीं पर रहती थी। हम लोग जा रहे हैं इस रास्ता से जाना है, ठीक है। यहाँ से आपको ईगल का केव मिल जाएगा देखने के लिए। ब्लॉक बन रहा है ये तो यार। फ्रेंड लोग जो थक गया, ठीक है, और सबसे ज़्यादा ये गाइस आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताना इसके इस लड़का के बारे में जो जिम जाता है, और इसका स्टेमिना देखो इतना वीक। स्टेमिना बहुत है मेरे अंदर। तुम्हारे अंदर स्टेमिना रहता है, तुम उधर से आते हुए यहाँ पर थकता ही नहीं। बात नहीं है तो बात क्या है? पानी एक एक बूंद पीने के लिए इतना दूर चलना पड़ा मेरे को मालूम नहीं था। भाई सिचुएशन कभी कभी ऐसा आ जाता है ना कि एक एक बूंद के लिए आदमी को तड़पना पड़ता है, पता है तुमको? चलो 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 गाइस, अभी हम लोग फाइनली निकल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है।
गाइस फाइनली अभी हम लोग इस लोकेशन पे चेक करो, यहाँ से भी डोयंग दिखा देता है, इसके नीचे है पानी, हम लोग जाएंगे। बाकी बात भाई लोग को एक शॉकिंग देने वाला हूँ। उधर देखो भाई, आजा देखो, उधर उधर देखो, क्या है पता है? उधर देखो ना, बोलिए ना, तो बिहूर बिहूर दिखा दे रहा है। वो ईगल है, ईगल का घोंसला है, वो जो बहुत पुराना है पता है, वो इंसान ने नहीं किया, वो चिड़िया ने खुद करके रखा हुआ है। नहीं जा सकेगा, रास्ता ही नहीं है तो कैसे जाएगा? रास्ता बनाएगी, जब बना लो रास्ता बनाएगा। अब फोटो लीजिए इस जंगल का, हो भाई साहब। हम लोग उस लोकेशन पर आ गए हैं, ठीक है। यहाँ का जो पानी है, अभी यूजली इधर से खेती का रास्ता है, ठीक है। ये जो विलेज है इसको, जो लुंगकुम विलेज है उसको वेजिटेबल कैपिटल ऑफ नागालैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ से बहुत ही मतलब वेजिटेबल्स जो है बहुत ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और वो जो सप्लाई मैंने आपको बताया वो दूसरा स्टेट में भी करते हैं, जैसे कि असम हो गया, और असम और ओखा, कोहिमा, डिमापुर, वहाँ तक मतलब ये लोग सप्लाई करते हैं जब सीज़न होता है तो। और यहाँ से निकलने वाले जो चीज़ है वो है, आपको बता देते हैं, टोमेटो जो है काफ़ी मस्त निकलता है यहाँ। बाकी बात जो चिल्ली है वो भी बहुत मस्त निकलता है, और जो पोटैटो थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में निकलता है, बाकी बात वो भी ठीक निकलता है। उसके बाद मेज़ हो गया, ठीक है। फाइनली अभी हम लोग निकल रहे हैं ये जगह को एक्सप्लोर करने के बाद। भाई नीचे से आने के बाद हम लोग थक गए हैं, और ये काफ़ी अच्छा स्पॉट है। मौसम ठीक रहेगा तो आपको यहाँ से डोयंग भी दिखाई देगा। मैं थक गया हूँ, ईगल केव रहा उधर, और लुंगकुम विलेज वाले ने ये स्पॉट एक जो बनाया है वो काफ़ी अच्छा है। नीचे से आने के बाद हम लोग यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि भाई रेस्ट कर रहे हैं अपना। बाकी बात नीचे अपना भाई लोग रहा, वो सब भी आ रहे हैं। हाँ मैं थक गया हूँ भाई, तो जाने टाइम में तो एकदम मस्ती में जा रहे थे सबके सब। वो जिम बॉय को देखो पीछे फट्टी पड़ी हुई है, देखो जिम बॉय को। तो गाइस हम लोग काफ़ी थक गए, अभी यहाँ पे लेंगे कुछ शॉर्ट ब्रेक, हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे और विलेज को और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। तो भाई जिम बॉय, गाइस ये जिम बॉय है देखो, आई फील सो सॉरी फॉर हिम, सीरियसली मैन। तुम अगर एक जिम बॉय हो और तुम्हारा स्टेमिना, आई ऑलवेज टॉक अबाउट योर स्टेमिना, काइंडली एक्सप्लेन मी अबाउट योर स्टेमिना, क्या हो गया अगर तुम्हारे स्टेमिना को? भाई जिम जाते हो और स्टेमिना हमारे से कम, ये भाई लोग से भी कम है। भाई गाइस जितना मस्ती में हम लोग गए थे, बाकी बात उतना मस्ती में आ नहीं रहे हैं, ठीक है। देखो सबकी हालत, सबकी हालत पंक्चर हो गई है। बाय 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 सलाम, इतना क्यूट है यार भाई साहब, बुला दो। बाय 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 बाय। तो गाइस फाइनली हम लोग लोलंगबा को एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ पे कर रहे हैं रेस्ट फिर से, और शाम होने की जा रही है तो हम लोग को निकलना पड़ेगा। बाकी बात टावर है एक, वहाँ पर जाएंगे, उसके बाद थोड़ा व्यूज चेक करेंगे, उसके बाद वहाँ से निकल जाएंगे। भाई कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा भाई साहब, और एक मगन में डूबा हुआ है। फाइनली अभी हम लोग अब यहाँ से निकलने वाले हैं, और देखो यहाँ पे अपना भाई सब रहा, फोटो शूट कर रहा है। बाकी बात व्यूज चेक करो गाइस, क्या ही खूबसूरत नज़र है। देखो देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखो गाइस क्या खूबसूरत नज़ारा आ रहा है यार, मस्त। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं इस टावर पे, और इस टावर पे जाकर देखेंगे विलेज का नज़ारा। बाकी बात अपना तीन स्कूटी इधर रहा, भाई लोग इधर रहा, काफ़ी थके हुए हैं और खूब मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर आकर। और अभी हम लोग जाएंगे ऊपर, ऊपर से देखेंगे पूरा विलेज का नज़ारा, ठीक है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं पूरा विलेज का नज़ारा। इस टावर से हम लोग जाएंगे उस टावर पे, देख रहे हो वहाँ, उस टावर पे जाएंगे, उस टावर से और देखेंगे कुछ विलेज का नज़ारा। बाकी बात देख सकते हो वो चर्च रहा और ये विलेज का नज़ारा रहा। बाकी बात उधर जो रहा मोंगतोंग विलेज रहा, कभी टाइम निकाल कर उसको भी एक्सप्लोर करने जाएंगे। बाकी बात व्यूज चेक कर सकते हो, देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है गाइस।
आप लोग, हम यहाँ से निकल रहे हैं और जाएंगे वो बड़े वाला टावर के पास। ये रहा भाई लोग, ठीक है चलो भाई चलो। अभी गाइस हम लोग उस टावर पे थे, कितना खूबसूरत लग रहा है वो टावर भी दिखने में। हाँ इधर से जाना है, चलो चलो सीधा, ठीक है ठीक है। हाँ सीधा आने टाइम में गाइस हम लोग इस रास्ते से आए थे, अभी जाने टाइम इस रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि हम लोग वो टावर भी एक्सप्लोर करना है। इसलिए तो जगह है जाने वाला है। चलो चलो, हाँ जगह है, जगह रास्ता है। और देखो घर के सामने इतना खूबसूरत खूबसूरत फूल रहता है तो काफ़ी अच्छा दिखता है, और घर सब भी काफ़ी अच्छा है। इसके ऊपर जाने जगह है, मना तो नहीं है ना? नहीं, अभी जाएंगे हम लोग उस टावर के ऊपर। कैसे जाएगा? फाइनली हाल हम लोग ऊपर जाने वाले हैं और अंकल से पूछ लिया, अंकल ने भी हाँ बोल दिया और भाई लोग सब जाएगा ऊपर से व्यू चेक करते हैं, पूरा लुमकुम का आएगा। बाकी बात बहुत ही खूबसूरत है, बहुत साफ साफ आया है इधर इस टावर पे। गाइस फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं उस टावर पे, अगर आप लुमकुम आते हो तो ठीक है, एक टावर ऊपर रहा वहाँ जाकर व्यू चेक करना। बाकी बात इस टावर पर आ जाना, इस टावर पर भी आपको पूरा नज़ारा विलेज का देखने को मिल जाएगा, ठीक है वो चर्च रहा देख रहे हैं। बाकी बात यहाँ से व्यूज़ चेक करो गाइस, खूब ही मस्ती है देखो। और भाई सब भी इधर सब रहा अपना, सब थके हुए हैं, तो भाई सब कैसा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें इस विलेज में आकर, आपको कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है भाई, आपको एकदम फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास आपको? आप दोबारा आना चाहोगे? जरूर। हाँ जरूर आएगा। आप दोबारा आना चाहोगे? एक्सपीरियंस कैसा रहा लोगों विलेज में? एकदम अच्छा लगा, फिर आएंगे तो मिलेगा लोग। हाँ, और बाकी एक भाई यहाँ रहा, कैसा लग रहा है भैया? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, नज़ारा कैसा है यहाँ पर बैठ के पूरा विलेज को देखने का, नज़ारा कैसा लग रहा है? भाई साहब एक मिनट, अच्छा लग रहा है। फाइनली हम लोग निकल रहे हैं इस मतलब इस जगह को टावर पे आने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। लुमकुम विलेज भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी साफ सुथरा है। बाकी बात आपको बताए थे ये लुमकुम विलेज फाइनली अभी हम लोग निकल रहे हैं इस विलेज को एक्सप्लोर करके, काफ़ी मज़ा रहा, बहुत मस्ती में हम लोग इन्जॉय किया और व्यू चेक कर लो गाइस, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था। और यहाँ से चार्ज करने के लिए जाने से पहले और एक ये जगह पे हम लोग आ गए हैं जहाँ पे लोग ड्रम रखा गया है, और वहाँ पे देखो फूल फूल जो कितना खूबसूरत है गाइस, देखो क्या नज़ारा है, कितना ही मस्त लग रहा है यार देखो। बाकी बात ऊपर से जाकर हम लोग और चेक करेंगे पूरा बस्ती का नज़ारा, इधर से भी कैसा व्यूज़ आता है। अभी शाम होने को आ रही है तो व्यूज़ कैसा आएगा उतना तो पता नहीं, बाकी बात चल कर देखते हैं। सिर्फ मुझे चाहत है तेरी, मैं सबसे है लुमकुम बस्ती का लोक ड्रम, ठीक है ये रहा लोक ड्रम। और यहाँ से व्यूज़ चेक करते हैं, ये देखो अभी शाम हो रही है तो व्यूज़ कुछ ऐसा आ रहा है। बाकी बात निकलते हैं, दो भाई ऑलरेडी निकल गया है, हम लोग को भी निकलना पड़ेगा यहाँ से, शाम हो रही है।